साथ मुझे बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा लगा और प्रेरणा मिलती है कि काफ़ी युवा वर्ग इधर से जुड़े हुए हैं और नए बच्चों को ऊर्जावान बनाने के लिए और इधर पर संस्कार अच्छे हैं, मतलब देखकर ही माहौल से बच्चों को आगे की पीढ़ी को हम लोग सिखा सकते हैं कि कैसे गायत्री पीठ से जुड़े हैं, उससे मतलब अपने ज्ञान अर्जन करें। ठीक है सर। मेरा नाम अभिवादन, मैं देहरादून शक्तिपीठ से आई हूं। तेज बोलो, बोलो बेटा बोलो। मेरा नाम अभी पांचाल है। जल्दी आ जाइए, जल्द से मतलब अपना परिचय दे जाइए। मेरा नाम शिखा शर्मा है, मैं गायत्री शक्तिपीठ से आई हूँ और मेरा यही कहना है युवाओं से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस गायत्री का प्रचार और प्रसार करना चाहिए और हर युवा वर्ग को ये सीखना चाहिए कि देखिए आगे चल के हम भी कुछ कर सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। स्कूल के बच्चे आपने भी आप पहली बार आई इस तरह से, आपको कैसा लगा? कैसा लगा, क्या क्या हुआ, कैसा लगा? यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। मंच से जो स्पीच दी गई आपने, क्या मिला सीखने को, कुछ मिला है यहाँ, कैसा लगा? हमारा युग निर्माण का जो संकल्प है, पहले हम बोलेंगे कि आपने हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे, इंद्र संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, परजनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का अभिन्न अंग मानेंगे, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार करेंगे, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे, दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है, नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे, संसार में सत्वृत्तियों के पुन प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ
एवं धन का एकांश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीत से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम के हम सुधरेंगे, आप हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तत्व पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। बोलिए वीर माता परम पूज्य गुरुदेव महाराज की, वंदनीय माता जी की।